हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना चैनल जीएस स्पार्क में। दोस्तों, जैसा पता है कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कंप्लीट 12 अनुसूचियों के बारे में 22 भाग के बारे में, जबकि हमने आपको ट्रिक के माध्यम सारे याद किया था। इसके बाद मैंने उपराष्ट्रपति के संबंधित जितने भी आर्टिकल थे मैंने आपको याद कराया था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे आप वीडियो का पेपर देखेंगे तो उसमें पूछ दिया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में, लोग गलत करके आए थे। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप इजिली कर जाएंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में। जैसे पूछ देता है उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में, तो आप बताएंगे 63 में। तो दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं तो मैं आपको इजिली ट्रिक बताऊंगा कि सारे उपराष्ट्रपति संबंधी जितने आर्टिकल होंगे आप इजिली एग्जाम में आएंगे, कर जाएंगे। जैसा पता है कि UPPCL की भी वैकेंसी आ गई इलेक्ट्रिकल के। दोस्तों, जो लोग अगर इलेक्ट्रिकल कंप्लीट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए तो दोस्तों वो अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं, और उसका नोटिफिकेशन भी आ गया दोस्तों कि जबकि एग्जाम डेट नवंबर में है। दोस्तों, जीएस स्पार्क चैनल में बने रहने के लिए दोस्तों आपका काफ़ी योगदान मिलेगा दोस्तों, कि एग्जाम से संबंधित जितने भी आपके जीएस संबंधित आएंगे प्रश्न आप इजीली कर जाएंगे। अगर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी बताइए। चलिए हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। हम उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और उपराष्ट्रपति संबंधित हम जितने भी आर्टिकल होंगे उसके बारे में देखेंगे। क्या सिंपल ट्रिक है? बहुत सिंपल है ट्रिक है, उसका निकासनी है, उसका निकास सनी है, उसका निकास सनी है। ये तीन शब्द याद करने से सारे उपराष्ट्रपति संबंधित जितने भी आर्टिकल होंगे आप इजीली याद करेंगे। चलिए सबसे पहले हम याद करते हैं उसका निकास सनी है। कैसे याद करेंगे? उसका निकास सनी है। मान लीजिए कोई लड़का है, उसको शनिदेव भगवान का क्या है? प्रकोप है। शनिदेव भगवान का प्रकोप है, और पंडित जी सलाह लेता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ कि मुझे क्या दिक्कत है, कोई भी मैं एग्जाम देता हूँ डिक्लेयर नहीं होता है, और कहीं भी जाता हूँ तो मैं जो सोचता हूँ उसका उल्टा होता है। तो पंडित जी बताते हैं उसका निकास क्या है? शनि है। तो आप शनिदेव भगवान यहाँ दर्शन करिए और सारी चीज़ें आपकी मनोकामना जो होंगी आने वाले फ्यूचर में भविष्य में क्या है आपकी कंप्लीट होगी। तो यानी उस सेंटेंस लिंक करके याद कर सकते हो उसका निकास क्या है? शनि है। तीन शब्द याद करने से उपराष्ट्रपति के आर्टिकल याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए 63 से स्टार्ट होता है, 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 64 में सभापति के बारे में, 65 में कार्यवाहक के बारे में, 66 निर्वाचन के बारे में, 67 कार्यकाल के बारे में, 68 समय के बारे में, 69 शपथ के बारे में, और 70 किसके बारे में? निर्वाण के बारे में। चलिए एक एक करके लिखते हैं, इसके बाद समझते हैं सारी चीज़ें कैसे रिमेम्बर करना है। ओके, 63 की बात करते हैं। 63 में कहा गया उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। ओके, नेक्स्ट 64 कहा गया है राज्यसभापति के बारे में, सभापति के बारे में। ओके, नेक्स्ट 65, यहां ऊ लिख दे रहे हैं, यहां स लिख दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है काम इस कार्यवाहक, यहां नोट कर दें काम इस कार्यवाहक, यानी राष्ट्रपति त्याग पर दे दे, मृत्यु हो जाए तो उसमें कार्यवाहक कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। तो इसको लिंक कर याद करना आपको। 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा नी, नी मिस होता है निर्वाचन, यानी राष्ट्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। 67 में कार्यकाल के बारे में, काम इस कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। नेक्स्ट है 68 में समिस समय के बारे में, यानी निश्चित समय में उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या किया जाएगा? करा लिया जाएगा। नेक्स्ट है 69 में कहा गया शपथ के बारे में, समिस शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन कौन दिलाता है। नेक्स्ट है 70 नहीं हो जाएगा निर्वाण, यानी आर्टिकल 70 में किसके बारे में कहा गया? निर्वाण के बारे में। चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे।
प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति का आर्टिकल किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। यानी भारत का एक नागरिक होगा, उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, किस आर्टिकल के तहत चुना जाएगा के पद के बारे में कहा गया, आर्टिकल 63 के बारे में कहा गया। चाहे कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है, देखेंगे 63 में उपराष्ट्रपति में ऊ पहले आ रहा है, ऊ की बनावट कैसी है, तीन जैसी है। उपराष्ट्रपति में स्टार्टिंग का ऊ आ रहा है, ऊ की बनावट कैसी है, तीन जैसी। यानी ऊ की बनावट तीन जैसी है और तीन का दोनों करेंगे कितना होगा 63, और आर्टिकल 63 भी कहता है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। एक बार समझते हैं, ऊ की बनावट तीन जैसी और तीन की बनावट ऊ जैसी और तीन का दोनों करेंगे कितना होगा 63 होगा, और 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी आर्टिकल 63 हमने बताया भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में, आर्टिकल 63 कहता है उपराष्ट्रपति के बारे में। बहुत सिंपल ट्रिक बताया, एक बार और देखिए, ऊ की बनावट तीन जैसी है, तीन की बनावट ऊ जैसी है, तीन का दोनों करेंगे कितना होगा 63, यानी 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया। नेक्स्ट है 64, आर्टिकल 64 कहता है सभापति के बारे में। प्रश्न होता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आप बताएंगे उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न आता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, किस आर्टिकल के थ्रू, 64। कैसे याद करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, हिंदी में हमने इसको लिखा 64, हिंदी में क्या लिखा 64, यानी इसमें भी 100 आ रहा है, इसमें 100 आ रहा है। इससे लिंक करके याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 64 में सभापति के बारे में कहा गया, भारत का राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, किस आर्टिकल में लेके 64 में। नेक्स्ट है 65, काम इसका हो जाएगा कारावास, यानी राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, तो आर्टिकल 65 किससे संबंधित है, कारावास के बारे में, उसमें कौन काम संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। नेक्स्ट है 66, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है आर्टिकल 66, डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि आर्टिकल 66 किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया था कि वीडियो का जो पेपर हुआ था उसमें डायरेक्ट आर्टिकल आ गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था जो री एग्जाम हुआ था, उसमें डायरेक्ट प्रश्न आ गया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है, लोग गलत कर दिए थे, ऑप्शन दे दिया था 52 दे दिया था, 57 दे दिया था, 63 दे दिया, 66 था, कौन सा ऑप्शन होगा, 66 होगा। कैसे, मान लीजिए कम से कम 10 लोग बैठे हैं, तो उपराष्ट्रपति को क्या करना है, चुनाव करना है, तो आप क्या करेंगे उसमें से छाटेंगे, उपराष्ट्रपति को क्या करेंगे, छाटेंगे, 66 से क्या हो जाएगा, छाटना। तो उपराष्ट्रपति का किस आर्टिकल में निर्वाचन है, क्या हो जाएगा, 66 से क्या हो जाएगा, छाटना। यानी उपराष्ट्रपति का किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो आप बताएंगे 66 में। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट है 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, प्रधान का कितना कार्यकाल होता है, तो ये सारी चीज़ें कितने होते हैं कार्यकाल, 5 वर्ष होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट है समय के बारे में कहा गया कि निश्चित समय में, समय का मतलब है यहाँ पे निश्चित समय में उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। यहाँ समय का मतलब निश्चित समय में उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या किया जाएगा, करा लिया जाएगा। यानी 68 आर्टिकल किससे संबंधित है, समय के बारे में कहा गया, उस निश्चित समय में उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, 69। प्रश्न ऐसे बनता है कि आर्टिकल 69 किससे संबंधित है, आप बताएंगे उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में। जैसे एक बार आईएएस का पेपर हुआ था तो उसमें पूछ दिया था कि आर्टिकल क्या उपराष्ट्रपति को अनुसूचित 3 के अंतर्गत शपथ दिलाया जाता है, आप बताएंगे नहीं, राष्ट्रपति को जो आर्टिकल शपथ दिलाया जाता है, उपराष्ट्रपति को जो 69 के अंतर्गत शपथ दिलाया जाता है, और राष्ट्रपति को आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 69 के अंतर्गत शपथ दिया जाता है, अनुसूचित 3 के अंतर्गत शपथ नहीं दिलाया जाता। तो आपको ध्यान क्या रखना है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ दिलाया जाता है और उपराष्ट्रपति को 69 के आर्टिकल के अंतर्गत शपथ दिलाया जाता है। कैसे, 69 और शपथ कैसे याद करेंगे इसको, 69, 100 और शपथ, ऐसे होमोफिन्स करके याद कर सकते हैं। यानी 69 आर्टिकल किससे संबंधित है, शपथ के बारे में कहा गया। लास्ट आर्टिकल है आपका 70 आर्टिकल संबंधित निर्वाण के बारे में, मतलब राष्ट्रपति आस्मिक क्रियाओं के वजह से अगर त्याग पत्र दे या मृत्यु हो जाए तो काम संभाल नहीं पा रहा, तो उसको जारी करने के लिए वहाँ पे निर्वाण कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। तो यानी दोस्तों हमने सारे आर्टिकल के बारे में बताया आपको कंप्लीट।
यानी हम बात कर रहे हैं जैसे योग्यता के बारे में प्रश्न आ रहा है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो आप बताएंगे 3500। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता कितनी होनी चाहिए, 3500। प्रधान बनने की योग्यता कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। योग्यता से भी प्रश्न आते हैं, यानी योग्यता मुख्यमंत्री बनने की योग्यता कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। प्रश्न आता है कि दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ये सब प्रश्न बनते हैं, यानी ये भी प्रश्न बनता है कि महिला के लिए शादी करने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, और पुरुष के लिए कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। चलिए हम एक बार और रिविजन करा देते हैं। मैंने आपको रिमोनिक जो आपको बताया उपराष्ट्रपति संबंधी, उसका निकास क्या है, शनि है। यानी इस सेंटेंस को याद करने सारे उपराष्ट्रपति पद याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल बताया, आर्टिकल 63 कहता है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, यानी ऊ की बनावट 3 जैसे, 3 की बनावट ऊ जैसे, और 3 का दोनों करेंगे कितना होगा, 63। 63 में क्या है उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट हमने बताया आर्टिकल 64 में कहा गया सभापति के बारे में, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, किस आर्टिकल में उल्लेख है, 64 में। ओके, नेक्स्ट हमने बताया राष्ट्रपति त्याग पड़ते मृत्यु हो जाए तो उसमें कार्यवाही कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, किस आर्टिकल में लेके, 65 में। ये वीडियो को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, और यूपी पुलिस सिपाही का पिछले साल पेपर हुआ तो उसमें डायरेक्ट इस साल भी पूछ दिया था कि आर्टिकल 66 किससे संबंधित है, आप बताएंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित, काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में। प्लस आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, किस आर्टिकल में लेके, 67 में। प्रश्न आता है कि आर्टिकल 68 किससे संबंधित है, समय के बारे में, यानी जिस समय निश्चित समय में उपराष्ट्रपति का क्या किया जाएगा, चुनाव करा लिया जाएगा। प्रश्न आता है कि 69 किससे आर्टिकल संबंधित है, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहा गया। आर्टिकल 7 उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहा गया, अनुसूचित 3 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाया जाता है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है आर्टिकल 60 के अंतर्गत अंतर्गत दिलाया जाता है, और 69 के अंदर उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 70, यानी आकस्मिक क्रियाओं को राष्ट्रपति अगर काम को नहीं संभाल पा रहा है तो उसमें कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी बजाएं, और कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों कैसा आपको वीडियो रहा दोस्तों। और GS Spark चैनल बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।